हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल आईटी दिल्ली के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ट्रिपल आईटी दिल्ली में गेट, थ्रू गेट और नॉन गेट दोनों तरह से एडमिशन हो सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रिपल आईटी दिल्ली की, ट्रिपल आईटी दिल्ली के जो एप्लीकेशन फॉर्म है बेसिकली वो स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्टिंग डेट जो है वो इनकी रही है 14th अप्रैल। 14th अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट जो है वो 6th मई रहेगी। एंड ऑनलाइन इंटरव्यू होगा यहाँ पे नॉन गेट कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू, जिसकी जो डेट रहेगी वो 14th से 15th मई सैटरडे और संडे को रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की, जो नॉन गेट कैंडिडेट्स हैं ट्रिपल आई टी दिल्ली सीएससी के लिए, ये एसी वालों के लिए नहीं है। राउंड वन में जो अलॉटमेंट होगा राउंड वन के लिए वो 20th मई को होगा। एंड राउंड टू का जो अलॉटमेंट रहेगा वो 3rd जून को रहेगा। बेसिकली सारी की सारी डेट इन्होंने अपनी वेबसाइट में मेंशन की हुई है कैसे कैसे इनका करिकुलम चलेगा। आपको हर एक डेट पे जाके विजिट करना पड़ेगा इनके आईटी पे कि आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए, किस डेट को आपको इंटरव्यू देना है, वो सारी डिटेल ये वेबसाइट पे इन्होंने मेंशन की हुई है। आपको जाके पर्टिकुलर डेट को चेक करना पड़ेगा कि मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ, मेरा इंटरव्यू है, ये सारी चीजें, कि मेरा राउंड वन का रिजल्ट आया है सेकेंड राउंड का, ये सारा इनको वेबसाइट पे ही विजिट करके आपको पता चलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ही यहाँ पे एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले किस किस डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं? सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम, ये बेस्ट ब्रांच है, यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो एंट्री है वो गेट और विदाउट गेट दोनों है। गेट के लिए 33 सीट्स हैं एंड विदाउट गेट के लिए 8 सीट्स रिजर्व है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग के अंदर 17 सीट गेट के लिए रिजर्व है, 3 सीट्स जो है नॉन गेट के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट आता है साइबर फिजिकल सिस्टम, यहाँ पे 16 सीट्स जो है वो बेसिकली गेट के लिए रिजर्व है, 4 सीट्स जो है नॉन गेट के लिए रिजर्व है। तो टोटल 66 सीट्स जो गेट्स वालों के लिए है, 15 सीट्स जो नॉट गेट वालों के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करता हूँ कि आप ईसी में अप्लाई कर सकते हो, ईसी के अलावा आप सीएससी में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही स्पेशलाइजेशन में आप एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली इन्होंने दिया हुआ दो स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम ईसी से अप्लाई करेंगे तो ईसी से आप सीएससी के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब ईसी और सीएससी के कॉम्बिनेशन के साथ आप नहीं जा सकते। सेकेंड थिंग, आप एक ही या तो गेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, यानी अगर आप फॉर्म फिल करोगे या तो आपको गेट के थ्रू फॉर्म फिल करना पड़ेगा या फिर आप नॉन गेट के थ्रू जाओगे। तो ये दोनों चीजें हैं, आप एक साथ ये भी दोनों फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ये आपने गेट के थ्रू भी फॉर्म फिल कर दिया और नॉन गेट के थ्रू भी फॉर्म फिल कर दिया, आपको एक के थ्रू ही फॉर्म फिल करना पड़ेगा। या तो आप गेट के थ्रू फॉर्म फिल करो या फिर आप नॉन गेट के थ्रू फॉर्म फिल करो। अगर मैं बात करता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार यहाँ पे, तो देखो अगर आपका गेट स्कोर जो है वो 580 के अराउंड है, 550-580 के अराउंड है, राइट, मैं लेके चलता हूँ, अगर आपका गेट स्कोर 550 से ग्रेटर देन है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस लेके, सेकंड आप मशीन लर्निंग को, थर्ड आप साइबर फिजिकल सिस्टम को रख के चल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका गेट स्कोर जो है वो 550 से ग्रेटर देन है तो आपको VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम से कॉल आने के चांसेस रहेंगे जनरल में, अगर इससे ग्रेटर देन है। अगर मैं ओबीसी EWS की बात करूँ, अगर आपका गेट स्कोर जो है वो 500 से ग्रेटर देन है EWS एंड OBC में, तो आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे। SC ST की बात करते हैं, SC वालों के लिए अगर आपका गेट स्कोर जो है वो 350 से ग्रेटर देन है तो आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे। ST वालों की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपका गेट स्कोर जो है 280 से अबव है तो ST वालों को कॉल आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ मशीन लर्निंग की, तो अगर आपका गेट स्कोर जो है वो 500 से ग्रेटर देन है जनरल कैटेगरी में तो आपको मशीन लर्निंग से कॉल आने के चांसेस रहेंगे। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, अगर आपका गेट स्कोर जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए है, अगर 480 से ग्रेटर देन है तो आपको मशीन लर्निंग से कॉल आने के चांसेस रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ SC ST की, अगर आपका गेट स्कोर 350 से ग्रेटर देन है, ST की अगर हम बात करते हैं तो 250 से ग्रेटर देन आपका गेट स्कोर है तो आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम की, अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर, अगर आपका गेट स्कोर जो है 450 से ग्रेटर देन है तो आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अगर 430 से ग्रेटर देन है तो आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे। SC ST के लिए, SC वालों के लिए अगर आपका गेट स्कोर जो है 250 से ग्रेटर देन है, ST वालों के लिए 200 से ग्रेटर देन है तो आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे साइबर फिजिकल सिस्टम से। तो बेसिकली ये डिस्कशन था क्या क्या कट ऑफ रहने के इस बार चांसेस हैं।
अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा ज्यादा लो है या आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप डायरेक्टली नॉन गेट के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप सेपरेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा यहाँ आपको। सो बेसिकली ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नॉन गेट, और जिनका लो गेट स्कोर है अच्छी प्लेसमेंट के लिए जाना चाहते हो तो IIIT दिल्ली के लिए अप्लाई करें। किस किस डिपार्टमेंट्स में, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट का एग्जाम दिया हुआ है तो आप किस किस डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हो, ये सारा डिस्कशन मैंने इस वीडियो में कर दिया है। बाकी कुछ जनरल सी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप या तो आप गेट के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हो या नॉन गेट के लिए, आप दोनों एक साथ फॉर्म फिल नहीं कर सकते, राइट। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है कि आप दो डिपार्टमेंट्स में फिल कर सकते हो, बट एक साथ आप कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे CGPA नहीं, आपको परसेंटेज में फिल करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन का फॉर्मूला आपको या तो आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया होगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया तो 10 पॉइंटर स्केल पे आप लेके चलोगे, मतलब अगर आपका CGPA 8.5 है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 85% आप फिल कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परसेंटेज में, परसेंटाइल में इनको निकालने में प्रॉब्लम आती है। तो ये जनरल सा डिस्कशन था IIIT दिल्ली के रिगार्डिंग, किस किस डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो, किस में नहीं। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।